खीर आएगी खीर आएगी खीर आएगी, और खीर खा लो खीर खा लो खीर खा लो। काल्पनिक लोकार्पण करते हैं, काल्पनिक बातों पे ये जी रहे हैं, धरातल पे कोई काम नहीं कर पा रहे हैं ये। तो हमने क्या मुँह बताए यहाँ पे बैठे लड्डू, क्या मतलब है आपको, आपको मिले, आपको मिले लड्डू, आपको मिले करो कम से कम। वो बराबर में उसके मंदिर आ रहा है, उसको नाप के जब देखा गया कि भी इसके नाप के बराबर मंदिर आ रहा, तो वो हटाया गया। उससे पहले लोग बाग जागरूक नहीं थे, उससे किसी का भला होने वाला नहीं है। ये युवा जो 2 करोड़ हर साल बेरोजगार होते हैं, उनके लिए रोजगार चाहिए। आगे आइए आगे आइए, अरे आगे आइए। हिंदू मुस्लिम का इन्होंने चुनाव का समीकरण पूरा बदल दिया, अब कोई जाति बिरादरी का चुनाव नहीं रहा। क्या गरीब मजदूर वंचित लोगों को वहाँ ठेरी पटरी लगने देंगे? नहीं लगने देंगे। यहाँ घंटा बजाने वाले योगी आदित्यनाथ जी जो हो, घंटा बजाने वाले नहीं है, गए मंदिर में बैठ गए, मुफ्त की तोड़ ली घंटा बजा के। लड्डू मंगा लो, भाजपा वाले मंगा ले, जवाब देंगे जवाब देंगे। 2 पैसे का रोजगार करेगा अपनी, उसकी रोजी रोटी पे खेले, उसकी ठेली कटरी पलटी जा रही है उनकी। चुनाव की सरगर्मियां बढ़ रही हैं, वैसे वैसे योगी आदित्यनाथ के साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो है पूर्वांचल की तरफ दौरा बहुत ही अहम हो जाता है। चलिए, बहुत लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं, इस वक्त हम गाजियाबाद में मौजूद हैं, लोगों से सीधे जानकारी लेंगे कि काशी कॉरिडोर का जिस तरीके से अर्पण किया गया है उसका किसको बेनिफिट मिलने वाला है, क्या वाकई में राजनीति को समीकरण को देखते हुए उस पर कुछ बड़ा बेनिफिट मिल सकता है। हमारे साथ बहुत लोग जुड़ चुके हैं, उनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम है सर आपका? दीपक, दीपक जी। हाँ दीपक जी, एक बात बताइए कि जिस तरीके काशी कॉरिडोर का जो है लोकार्पण हुआ है, उससे क्या फायदा देख रहे हैं आप? फायदा क्या देख रहे हैं, वो तो अपना फायदा देख रहे हैं। हम अपना क्या फायदा देखेंगे उसमें, आम जनता क्या फायदा देखेगी उसमें? आम जनता कुछ फायदा देखेगी? नहीं देखेगी। क्यों, दर्शन करने का मौका मिलेगा उससे, फायदा क्या होगा? दर्शन तो अपने घर में भी कर सकते हैं, हर आदमी अपने घर में छोटा सा मंदिर बना के रखता है, क्या वहाँ दर्शन नहीं करेगा, करेगा या नहीं करेगा? हम लोग जो है ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी का जो पूर्वांचल का जो दौरा है बार बार देखने को मिल रहा है, तो उससे फायदा क्या लगता है आपको भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा? मोदी जी अब की बार अपना कोई नया ट्रंप चलाने के चक्कर में है कि हमारा कोई नया ट्रंप चले, ना तो हिंदू वाला ट्रंप चलेगा, ना ही नमो नमो वाला ट्रंप चलेगा। अब वो सारे ट्रंप जो है डब्बे में गिर जाएंगे वापस। आज नमो नमो चल रहा था बिल्कुल बनारस के अंदर, कुछ लोगों का चल रहा था, वो कुछ चीज़ें उसमें पुरानी दिखाई जा रही थी, लाइव में अब नहीं है कुछ भी। हाँ अगर गौर से देखा जाए तो उसमें कुछ चीज़ें काट के पुरानी भी दिखाई जा रही थी। चलिए चलिए, आपके पास बाद में आएंगे, और भी कुछ लोग जुड़ चुके हैं, उनसे सीधे जानकारी लेते हैं कि उनके मन में दरअसल क्या चल रहा है। आगे आइए आगे आइए, भाई सब आगे आइए आगे आइए। क्या नाम है आपका? मुकेश कुमार। मुकेश जी थोड़ा इधर आ जाइए, इस साइड आ जाइए। कैसे देख रहे हैं जिस तरीके से कॉरिडोर का जो है लोकार्पण हुआ है, उससे क्या लग रहा है कि इसको बेनिफिट होगा? देखिए बेनिफिट तो उसका बीजेपी को जरूर मिलेगा, क्योंकि पहले भी जो चुनाव हुआ था वो योगी सरकार के ऊपर तो हुआ नहीं था, क्योंकि वो हुआ था केवल मोदी के ऊपर चुनाव, और इस बार भी ताज कॉरिडोर का, उसका काशी कॉरिडोर का और राम अयोध्या का पूरा बेनिफिट बीजेपी को मिलेगा, क्योंकि उनका कार्ड वही है और उसी कार्ड को वो पूर्वांचल में चला रहे हैं। तो आप भी यही मानते हैं? नहीं, फायदा तो उनको होगा जरूर। और आप क्या मानते हैं इस बार क्या होगा चुनाव में? चुनाव में देखो, ये जो इधर का गढ़ है ये तो बीजेपी का गढ़ है, हमारे इधर का, और बाकी देखो क्या होता है बाकी। योगी जी, अच्छा आपके मन में क्या चल रहा है? मेरे मन में क्या चल रहा है, चुनाव से पहले तक तो सारी पार्टियां जीती हुई होती हैं, उसके बाद में जो आता है वो बीजेपी का रिजल्ट निकल गया था पिछले कुछ चुनाव से, और यही होना है इस बार भी यही होगा, पक्का यही होगा। तो हिंदू कार्ड पे सक्सेस हो जाएंगे? हिंदू कार्ड पे तो सक्सेस होंगे ही वो, क्योंकि अब जो चुनाव रह गया है केवल हिंदू मुस्लिम का, इन्होंने चुनाव का समीकरण पूरा बदल दिया, अब कोई जाति बिरादरी का चुनाव नहीं रहा, अब चुनाव केवल हिंदू मुस्लिम का हो चुका, और वही हो रहा है और वही होगा। ठीक है, तो आप बताइए इस बार क्या चलेगा, कौन सा, जिस तरीके से बार बार लोकार्पण किया जा रहा है, शिलान्यास किया जा रहे हैं, क्या लग रहा है वाकई में बदलाव की ओर है जनता या फिर वही सरकार चलेगी? सरकार योगी जी की बन रही है, अब पूर्ण बहुमत में बन रही है, इन्हें सब चीज़ का फायदा होगा, अयोध्या का फायदा होगा, काशी जो भी उसमें वो बनाया जा रहा कॉरिडोर उसका भी फायदा होगा, और जो काफ़ी विकास जो इसमें हुआ है उत्तर प्रदेश में, और जो गुंडों की इन्होंने हालत ख़राब करी है, गुंडा राज ही खत्म कर दिया उत्तर प्रदेश से, तो सब को बीजेपी को ही रहूंगा, और बाकी जनता किस तरफ होती है वो जनता के मुंड के ऊपर बात। क्या नाम है भाई साहब आपका? गुलशन कुमार।
क्या देख रहे हैं इस बार सरकार में, क्या सब, क्या सब कुछ चल रहा है? भैया सरकार तो बीजेपी की आएगी, क्या मुद्दे होंगे? कोई कुछ भी कह लो, क्यों कहीं कुछ भी कह लो, बीजेपी ही आएगी। क्योंकि यहाँ तो सब बीएसपी वाले हैं तो बीएसपी के बोलेंगे, बाहर जो लोग हैं ना सब बीजेपी बीजेपी हो रही है चारों तरफ। आपका मुद्दा क्या होगा इस बार ये बताइए, क्या सोच के जाएंगे वोट देने के लिए? क्या सोच जाएंगे? विकास के ऊपर जाएंगे, हम तो विकास होना चाहिए। कहाँ विकास? इस सरकार में विकास हुआ है? यहाँ तो खैर नवा हमारे मोहल्ले, बाहर तो बहुत हुआ। बाहर बहुत हो गया, इस मोहल्ले में नहीं हुआ ना। तो आपको यहाँ का चाहिए कि बाहर का चाहिए? हमें तो मोहल्ले का चाहिए, पर मोहल्ले का हो तो ना रहा, पर अभी अब होगा तो देखो उसकी उसके आधार पे जाएंगे वोट देने। सरकार अच्छी की बेकार ये बताइए? सरकार सही है, सरकार सही है, फिर भी सही है सरकार, सरकार सही है। चलिए हाँ भाई साहब, काशी कॉरिडोर का जो है अर्पण हुआ है, क्या चल रहा मन में? काशी डोर का लोकार्पण कर लो, ये या रोड का किसी चीज़ का लोकार्पण कर लो, मंदिर मंदिर रहेगा, मस्जिद मस्जिद रहेगी, लेकिन इन लोगों को तो कोई ना कोई टॉपिक चाहिए। इनका ना कभी समीकरण सही थे, ना है ना रहेंगे। और आपको एक बात और बता दूं, अगर उत्तर प्रदेश में शासन चलाया तो बहन जी ने चलाया, बहन बेटी सुरक्षित, रोजगार सुरक्षित, लोगों के कारोबार सुरक्षित। बहन जी के कार्यकाल में कम से कम 3.5 लाख मकान देने का काम करा बहन जी ने गरीबों को मुफ्त में। नहीं तो ये तो इनका एजेंडा रहा था ना, राम जन्मभूमि वाला भी एजेंडा रहा था। एजेंडे से मतलब थोड़ी है, अभी एजेंडे का मतलब है तुम दुनिया को थोड़ी मारोगे। चलिए इस बार मुद्दे बता दीजिए ना, क्या क्या चलेंगे, क्या उससे फायदा मिलेगा? जिस तरीके से मोदी जी ने काशी कॉरिडोर का लोकार्पण किया है, उससे क्या फायदा मिलेगा? कोई फायदा नहीं मिलने वाला, उससे किसी का भला होने वाला नहीं है। ये युवा जो 2 करोड़ हर साल बेरोजगार होते हैं, उनके लिए रोजगार चाहिए। सबसे पहला मुद्दा रोजगार, रोजगार से रोजी, जब रोजी रोटी रोटी और कपड़ा मकान सब कुछ मिलेगा लोगों को, जब सबसे पहले रोजगार चाहिए परिवार पालने के लिए। अगर सुनो, अगर रोजगार नहीं है तो कुछ भी नहीं है। तो सरकार अब तेल भी फ्री दे रही है तब भी दिक्कत है? तेल फ्री कहाँ दे रही है सरकार? आज मिला है लोगों को। पेट्रोल कितने रुपए लीटर है? पेट्रोल कितने रुपए लीटर है? 94 रुपए लीटर है पेट्रोल हमारे यहाँ पर। और बैरल का क्या रेट है? 41 रुपए बैरल रेट है, 41 रुपए कुछ पैसे बैरल का रेट है। और हमारे यहाँ कितना परसेंट टैक्स ले रहे हैं? ये कह तो रहे हैं विकास हो रहा है, विकास हो रहा है नीरव मोदी जैसे लोगों का, ललित मोदी जैसे लोगों का, जो 1000 करोड़ रुपए लेकर भाग जा रहे हैं इस देश से। विकास उन लोगों का, हमारा कहाँ विकास हो रहा है? हमारे लिए कौन सी शिक्षा सही कर दी? सब चीज़ निजीकरण करी जा रही है, सब चीज़ निजीकरण करी जा रही है। सब आने वाले टाइम में यहाँ साहूकारी देश, जिस चीज़ की भगत सिंह ने लड़ाई लड़ी कि भाई देश साहूकारी में ना फंस जाए, ये साहूकारी में देश फंसा रहे हैं। दोबारा से 95% लोगों की कमर 5 आदमियों के हाथ में दे देंगे, 5% लोगों के हाथ में 95% लोगों की लगाम दे दी जाएगी। चलो किस तरीके चलाना है निर्भर के लिए मोदी जी आज भी भाषण में, अपने भाषण के दौरान आत्म मोदी जी तो आत्मनिर्भर बने। पहले आम आदमी तो एक जमाने से आत्मनिर्भर है, आज भी लोग बाग चौक पर जाते हैं अपने रोटी बना के खाते हैं, हर आदमी जाता है, हर आदमी मजदूरी करता है, अपने बच्चों को पालता है, हर आदमी आत्मनिर्भर है। ये भारत है, ये भारत है, यहाँ सब आत्मनिर्भर हैं। यहाँ घंटा बजाने वाले जो योगी आदित्यनाथ जी जो हैं घंटा बजाने वाले नहीं है, गए मंदिर में बैठ गए मुफ्त की तोड़ ली घंटा बजा के। यहाँ लोग बाग कर्म करके रोटी खाना जानते हैं। विकास का मतलब ये नहीं है कि ना शौचालय बना दे विकास हो गया। के लिए बोल रहे थे सर, आत्मनिर्भर मोदी जी ने जो है काशी कॉरिडोर का लोकार्पण करते हुए आत्मनिर्भर का फिर से नाम लिया है, जिक्र किया है, आप उसको कैसे देखते हैं? आत्मनिर्भर तो आप खुद ही देख रहे हैं कि कैसे आत्मनिर्भर हो रहे हैं। मैं धर्म के आधार पर बात करना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि जो भी आदमी है अपने अपने धर्म में जो आस्था रखता है उसे रखना चाहिए। लेकिन आज जितने ये उद्घाटन कर रहे हैं, इन्होंने पूरे देश में इतने उद्घाटन कर दिए हैं कि वो हो सकता है कि 100 साल में ये योजनाएं पूरी नहीं हो पाएंगी। और ये केवल फर्जी बातें करते रहते हैं। इन्होंने चोर का लोकार्पण हो गया है, देश विदेश के लोग आएंगे, घूमेंगे, पर्यटन बढ़ेगा, आप कह रहे हैं कि नहीं? कॉरिडोर का कर दिया, लाल किले को तो आप अरे पब्लिक की जेब में पैसा जाएगा, इनकी जेब में पैसा जाएगा, जो हवाई जहाज से चलेगा, गरीब आदमी पैदल चले 2 पैसे का रोजगार करेगा अपनी, उसकी रोजी रोटी पे खेलने, उसकी थैली कटरी पलटी जा रही है उनकी। मैं ये कह रहा हूँ कॉरिडोर जो बनाया है और वहाँ पर्यटक आएंगे, क्या गरीब मजदूर वंचित लोगों को वहाँ ठेरी पटरी लगने देंगे? नहीं लगने देंगे। वहाँ उद्योगपति लोग करेंगे काम, क्योंकि वही लोग 50 लाख 1 करोड़ की दुकान खरीद सकते हैं। अगर वो ठेली पटरी लगने दें वहाँ तो हम उनका स्वागत करते हैं। उन्होंने जन कितने लिख 2 साल कुछ महीने लग गए उसको बनाने में, कहाँ से अजी बनाने में? उनके बता रहे हैं कि उन गरीबों के साथ 400 घर बसाए हैं, कभी
मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ कि उनके घर कहाँ बनाए हैं। ये तो कह दिया कि 450 घर हमने विस्थापित करे हैं, विस्थापित करने की वो बात तो बताएं कि कहाँ करे हैं, उनका घर ही नहीं दिखा रहे, उनको उजाड़ दिया गया, वहाँ से रोजगार खत्म कर दिए। इनका जवाब दे दीजिए, इनके बातों का जवाब दे दीजिए। इनके बात तो फालतू बात करने, इनकी बातों का क्या जवाब दूँ, ये तो खुद बेजवाब आदमी है। कांग्रेस का तो सिर्फ बोलना 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 बस, इन्हें ना तो विकास दिखाई दे रहा ना इन्हें मैं कह रहा हूँ विकास की बात करते हैं। विकास तो एक आदमी का नाम था हमारे यहाँ, वो बहुत दिन पहले पागल हो गया, तो लोग कहते भैया विकास तो पागल हो गया, इन्हें हमारे विकास को कहाँ से हायर कर लिया। तो ये एक काम बता दें कि विकास का यहाँ काम हुआ है तो हम इनकी गुलामी करेंगे। चलिए अब एक काम बता दें, ऐसा इन लोगों को काम ना दिखाई देता क्योंकि इनकी आंखों पे पर्दा हुई, पट्टी बंधी हुई है। जो गरीबों को मोदी जी ने 2.5 लाख रुपए देके इनको मकान बनवाए ना, क्या बनवाए? वो जो 2.5 लाख दिए हैं हमारे जो पूर्वज थे, जिन्होंने एक लंगोटी में दिन और रात काट काट के जो हमें वो जमीन देके गए थे 50 गज 40 गज 100 गज, वो तो हमारी 2.5 लाख रुपए देके गिरवी रख ली। भी नालायक निकले जो हमारे पूरी साल कमाते थे और हमें केवल खाने पीने लायक राशन देते थे, ये तो बनियाओं से भी ज्यादा बनिया निकले हैं। चलिए और भी लोग जुड़ चुके हैं। एक बात तो बताइए, राशन भी उन्हें को तो मिल रहा है जिनका राशन कार्ड बना हुआ है, बिना राशन कार्ड के राशन थोड़ी मिल रहा है। एक तरफ से दिलवाओ सबको, जब राशन मिलना समझेंगे, और फिर कोई नहीं बांट रहा है। नहीं तो राशन बोला तो ये भी जा रहा था कि सबको एक समान देखा जाएगा, राशन एक समान देखा जा रहा है, एक समान देखा जाता तो ऐसा होता ही नहीं। 500 रुपए 15 करोड़ देंगे, देश का काला धन लाएंगे। कहाँ गया अमित शाह ने दिल्ली में खड़े होकर कह दी, हाँ साहब एक मिनट, अमित शाह ने दिल्ली में खड़े होकर कह दी ये तो चुनावी जुमले हैं, तो भैया इनका किसी चीज का बनारस में मोदी जी ने भाषण दिया और ये कहा है कि उन्हें खुद से ज्यादा बनारस के लोगों पे भरोसा है। मोदी जी को तो खुद पे भरोसा ना है, दूसरे पे भरोसा क्या करेंगे, खा किए इन्हें अपने घर का ही पता नहीं है। ये विकास है हमारे देश का, करे बात को। मोदी जी ने बोला देश नहीं बिकने दूंगा, भाइयों बहनों देश क्या, ओ लाल किला बिक गया, ताजमहल बिक गया, अकबरा क्या क्या बेच दिया, रेलवे खा गया, किसने बता दिया आपको ये बिजली विभाग में वो भी प्राइवेट में दे दिया, बताओ और मोदी जी क्या करेंगे, बताओ आम जनता मर रही है, बताओ अब जो अपनी जिंदगी में पहला चुनाव देखा है, भरोसा है कि नहीं है बताओ, मनोज जी में नहीं है, जो सुनो एक भी सुनो, जो मैंने अपनी जिंदगी में पहला चुनाव देखा है, एक तो देखा आम पार्टी का दिल्ली का और एक बंगाल का, ऐसा ऐसा चुनाव होना चाहिए उत्तर प्रदेश के अंदर। मोदी जी मिनट एक मिनट आ जाइए, इधर आ जाइए, थोड़ा इधर आ जाइए, बात करेंगे आपसे, बात करेंगे आगे, थोड़ा वेद प्रकाश आगे आ जाए जी। सरकार कैसी लगी योगी जी के बताइए, तुम बताओ जी, मैं नहीं बता, अरे बताइए आपको नहीं पता, आपको नहीं पता कैसी लगी, डर क्यों रहे हैं, डर क्यों रहे हैं, बताओ ना कितना रोजगार मिला, मतलब सरकार कैसी लगी योगी जी के बताइए, सही नहीं लगी, बेरोजगारी आ रही है, सब काम हो रही है, सब टेटिया उजड़वा रहे, हमारी मंडी उजड़वा दी पूरी, बेरोजगार हो रहे हैं, घूमे बनारस में 16 लाख से ज्यादा लड्डू बटे हैं, हमने क्या मुँह बताए यहाँ से बटे लड्डू, क्या मतलब है आपको, आपको मिले लड्डू, आपको मिले, हम बोल रहे हैं लड्डू, आप यहाँ नहीं, ये वहाँ 16 लाख बैठ गए, ये आप जो खड़े हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि वो जो लड्डू खाने वाले भी वो राजा महाराजाओं के बच्चे होते हैं क्या, नहीं सबको बटे, तो यहाँ दौलत प्रेम तो नहीं लाए आप, क्योंकि हम गरीब हैं, दलित हैं, मजदूर हैं, बेरोजगार हैं, बेसहारा हैं, इसीलिए यहाँ ला के दिखाते हैं, आप 10 किलो ही लड्डू मंगा लो, भाजपा वाले मंगा ले, जवाब देंगे, जवाब देंगे, 10 किलो लड्डू मंगा दे अभी, और क्या, मैं ये कह रहा हूँ वहाँ इतने लाखों बता रहे हैं लड्डू, अगर भाजपा वाले इतने नाक वाले हैं, इतने ही अपनी बात में खरी उतरने वाले हैं, तो मेरे भाई यहाँ बच्चे भी खड़े हैं, हम गरीब मजदूर दलित बस्ती में खड़े हैं, ये खाएंगे, हम नहीं खाएंगे लड्डू, हम खाएंगे लड्डू, अब खाएंगे लड्डू, अरे अरे मैं ये कह रहा हूँ लोग खाना चाह रहे हैं लेकिन बेशर्मी की हद है, वो मंगा ही नहीं सकते हैं। ये जो हमारे भाई हैं विजयपाल चौधरी जी, ये इतना बोल रहे हैं
रात रात कल कल इन्होंने खुद मेरे हाथ से एक रसगुल्ला खाया वहाँ पे जो उत्तलनियात हो गया उनका। लड्डू की बात कर, रसगुल्ला नहीं नहीं, इन लोगों के साथ आपने चीटिंग कर दी, आपने चीटिंग कर दी। वो पारिवारिक शादी थी, मेरी भतीजी थी, इनकी भी भतीजी थी, सामूहिक विवाह में पारिवारिक रिश्तों में, तो ये तो परिवार है शादी विवाह का, इसमें तो कोई बात नहीं। आज हुआ है, अभी वहाँ एक तरीके से पौधा लगाया, ठीक है, तीन महीने यार तुम सुनते, हम बोल रहे किसी के बीच में, ठीक है, हम बोल नहीं रहे बिल्कुल, या तो बोलने दो या बोलने दो, आराम से बात करो। तो तीन महीने बाद जब चुनाव परिणाम आएगा तो उस पर फल भी लगेगा, चौधरी साहब को लड्डू भी मिलेगा। और रही अब लोक प्रणा की जो हो रहे हैं, लोकार्पण हो रहे हैं, चौधरी साहब तुम्हारे लोग अब सुनते रहे, ये बता दो ऐसा कौन सा वृक्ष है जिसमें तीन महीने में फल आ जाते हो, ये पूछ लो। दो महीने में सफल नहीं है, दो महीने में आजकल वृक्ष। तो मैं अभी गया था एक पार्क में, तो वहाँ आरएसएस के शाखा लगा रहे, तो मैं अपने बेटे को लेके गया, तो वो शाखा में कहने लगे उनके हेड इंचार्ज, तो बात करते करते खीर आएगी खीर आएगी खीर आएगी, और खीर खा लो खीर खा लो खीर खा लो। अब मेरा बेटा कहने लगा कि पापा मैं भी खीर खाऊंगा, मैं कहने लगा महाराज जी कहाँ तुम्हारी खीर, बोले एक काल्पनिक खीर है, हम काल्पनिक बनाते हैं, तो काल्पनिक पौधे लगाते हैं, काल्पनिक लोकार्पण करते हैं, काल्पनिक बातों पे ये जी रहे हैं, धरातल पर कोई काम नहीं कर पा रहे हैं ये। देखो ये इनकी बात होगा, किसी के पास कोई जवाब नहीं है, क्योंकि जो आपके पास भी जवाब नहीं है, इनकी सरकार ने जो करा वो अभी तक भुगता जा रहा है, अब आगे जो होएगा ये भुगतने को तैयार रहे। कम से कम वो बराबर में उसके मंदिर आ रहा है, उसको नाप के जब देखा गया कि भी इसके नाप के बराबर मंदिर आ रहा, तो वो हटाया गया, उससे पहले लोग बाग जागरूक नहीं थे। चलिए बहुत से लोग, बहुत से लोग, अच्छा कुछ लोग और भी हैं भाई साहब, इधर 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 पहुंच, थोड़ी इधर थोड़ी इधर इधर आ जाइए। क्या नाम है आपका, एक मिनट, क्या नाम? नाम धर्म सिंह है। मैं दो, हाँ, सरकार कैसी लगी ये बताइए सबसे पहले। देखो सरकार कहीं से कहीं तक भी सही नहीं है, महंगाई चरम पर है, बेरोजगारी बिल्कुल फैली पड़ी है, पेट्रोल डीजल के दाम इतने बढ़ गए हैं, आदमी का कमाना खाना मुश्किल हो रहा है, घर चलाना मुश्किल हो रहा है, और ये सिर्फ उद्योगपतियों को बढ़ावा दे रही है, बाकी और कोई काम नहीं कर रही। अच्छा एक बात तो बताइए सिंह साहब, कि योगी जी की सरकार में जो है आज मैं देखा हूँ नमक तेल और चना मिल रहा है, उससे आपको कुछ फायदा हो रहा है कि नहीं? अरे इससे क्या मिलना, महीने दो महीने मिलेगा, फिर भी तो मैं महंगा ही खाना है, इनके 200 रुपये का राशन मिल रहा, 500 रुपये हमें उस पर देने पड़ रहे हैं, पेट्रोल महंगे देने पड़ रहे हैं, डीजल महंगे देने पड़ रहे हैं, महंगाई इतनी है, क्या हो रहा, महीने दो महीने खिला के उससे गुजारा होगा, रोजगार दो, बच्चों को शिक्षा दो, रोजगार दो, जब रोजगार राशन मिलेगा दो गुना राशन, तो उससे क्या हो रहा, दो गुना रोजगार तो है ही नहीं बिल्कुल। मान लो दो महीने तीन महीने खा लेगा, उससे क्या गुजारा होगा, जब रोजगार मिलेगा तो आदमी खुद ही अपना आप कमा खा लेगा, तो फायदा क्या है दो तीन महीने देने। रोजगार तो इस सरकार में भी मिल रहा है, कहाँ मिल रहा है रोजगार, युवा भटक रहे हैं, जो जो रोज सुनो, अरे सुनो, रोजगार का परिस्थितियां सब खत्म कर दिए, पढ़ा लिखा बेरोजगार हो रहा, युवा भटक रहा रोडों पे, वो चोरी करने के चक्कर में लग रहा है, जब रोजगार नहीं है तो चोरी चकारी चक्कर में लग रहा, उन्हें था जेल में बंद कर दे। मायावती जी की सरकार कैसी लगी आपको? देखो मैं आम नागरिक हूँ, मुझे ना तो बसपा से मतलब, ना बीजेपी से मतलब, कांग्रेस से मतलब, लेकिन बसपा की सरकार सही चली थी, प्रशासन बढ़िया था, काम बढ़िया हो। कांग्रेस की सरकार कैसी लगी आपको? कांग्रेस की तभी है ही ना, हम तो छोटे जब कांग्रेस की सरकार ही कैसी थी, केंद्र में सही थी कांग्रेस की। अच्छा हाँ, कांग्रेस की सरकार केंद्र में सही थी, शासन सही चला, मनमोहन सिंह ने, मनमोहन सिंह जी ने शासन बिल्कुल बढ़िया करा, 400 रुपए का सिलेंडर था। महंगाई कौन से सरकार में सबसे ज्यादा लग रही है? ये बीजेपी में सरकार है, बीजेपी सरकार में महंगाई ज्यादा है।